नाम प्रेमलाल के, घर पे अपने बीबी है, बच्चे है, ये गांव का लड़का है। हाँ। वो बोले अपन नागपुर और महाराष्ट्र का बीच में काम करेंगे। वो अपने को तो सर मशीन के बारे में बताया था, ये बोरवेल मशीन के बारे में। उसने बोला था अपने को 4 महीना करना है, और 4 महीने के बीच में अपने को जब भी आना है तो आ सकते हैं, ऐसा रोक टोक वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसा बात करके यहाँ से ले गया और सीधा उसने ले गया तमिलनाडु। अब 4 महीना हमने काम कर लिया, 4 महीने काम करने के बाद उसको बोला जो ले गया था उसको, भैया हमको ले जाओ अब, 4 महीना हो गया। तो वो बोले 8 महीने के बाद हुआ है सेठ से, बोले 4 महीने में कैसे छोड़ देगा, और वो 4 महीना करके भग गया, हम फंस गए यहाँ। बोरवेल मशीन में सर ये सर होता है, वहाँ 150 किलो का एक राड होता है, वो उसको गाड़ी से उतारना पड़ता है, मशीन में चढ़ाना पड़ता है, बोरवेल हो जाता है, जैसे अपना ट्यूबवेल हो जाता है, उसको फिर अपने को गाड़ी में लोड करना पड़ता है, कंधे में उठाओ और गाड़ी में लोड कर, हजार हजार फीट तक गहराई जाता था, बहुत राड उतारना पड़ता था, कम से कम नहीं तो 60-65 राड, एक राड 20 फीट, उसका वजन होता है 150। अच्छा, और खाना? खाना बस दाल चावल, इसके सिवाय अपने को कुछ नहीं मिलेंगे। अब 2400 घंटा काम करेंगे। हाँ। सोने का नाम नहीं है, कोई लड़का अगर सो गया, नींद आ रहा है, कुछ हो गया, सो रहे, क्यों सो रहे करके मारपीट करता था। अच्छा भाई, 24 घंटा काम आदमी करेंगे तो नींद तो आएगा ही, कभी कभी सो जाते थे। वहाँ पे जो राड जो लोडिंग करते थे, वहाँ पे इतना बड़ा लकड़ी रहता है, जैसे अपने को राड दकाने के लिए उसमें मारते थे। एक लड़के को तो वो अपने ये सब्जी बनाते चम्मच जो रहता ना, उसमें मार दिया था, उसका आध यहाँ जल गया था ना, अभी वो प्रमुख ना करके नाम है उसका, उसको मार दिया था। और एक जो अभी गए थे अपन ये लखन के यहाँ, उसको भी मारे थे, वो उसको लकड़ी से मारे थे, वो मेरे शिफ्ट में काम करता था। तो हुआ क्या, अब शाम से लगा मशीन तो सुबह का 8 बज गया, 4-1 बजे कहीं थोड़ा सा लेट गया था, अब उसको आ गया नहीं, राड ने उतारते करके वो लकड़ी में उसको दो एक लकड़ी मार दिया था। उसको मैंने पूछा तो भाई, मामा बोले अब ये 5वां महीना खत्म होने के बाद, 5वें महीने खत्म होने के बाद वो लड़के को हम यहाँ पे पहुँचा देते, बोले सब 9 लड़कों को गया ले गए था उसको सब पहुँचा दूँगा। ठीक है, ये 5वें महीने खत्म होने के बाद मैं 6वें महीने में उसको बोला सर, तो उसने बोला कि बोले हाओ मामा हाओ मामा हाओ मामा करके गया। और उसके बाद उसने बोला कि मामा जी बोले मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो मेरे को 15,000 रुपये लग रहे करके। फिर उसने ऐसा बोला तो भैया 15 गिंदरे तो नहीं दे सकता हम लोगों, हम कहीं से ब्याज से उठा के 12,000 रुपये। फिर सर में ये चुपचन मामा फिर वहाँ पे जमानत रहा चिचोली, एक कलर मच्छवार नाम का एक मास्टर है, वहाँ से 12,000 रुपये निकाल के सर उसको दिए। उसने हाँ आज जा रहा हूँ कल जा रहा हूँ आज जा रहा हूँ कल जा रहा हूँ, फिर उसको इधर बोलने लगे सर। तो फिर इधर से उसने क्या शिकायत किया सुपरवाइजर के पास कि डीलर के पास, तो ये लड़के उनको मारने लग गए। फिर एक व्यक्ति ने बताया ये जन सहार समूह के बारे में कि इनका मदद लो तो आपको मदद करेंगे। फिर हमने फोन लगाया जैसे तैसे पता करके, फिर जन सहार समूह बोलते कि क्या बोलते हैं, अपन उतना पढ़ा लिखा है नहीं, जानते नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से उनको निकाल के लाया गया वहाँ से। सरकार ने सर अपने को निकाल के लाया वहाँ से, अपना जो मजदूरी पेमेंट जो बन रहा था वो भी दिलाया, और सरकार की तरफ से 20-20 हज़ार रुपये भी दिलाया सर, 50-1 हज़ार रुपये अपन ने घर से लाए थे, 20 हज़ार रुपये सरकार के मिले और कुछ घर से करके। उसमें सर अपन अभी वर्तमान में तो गेहूँ लगाया है और कुछ चने हैं। सर जी वहाँ से तो 52,000 मिले थे, 52,000 मिले वो जो मजदूरी था। हाँ। और फिर तमिलनाडु सरकार से 20,000 मिले थे सर।
अच्छा और यहाँ अपने मध्य प्रदेश सरकार से 20,000 मिले थे सर।